नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज़ादी के 70 साल बाद आज भी शरीफ और गरीब जनता थाने पे जाने से खौफ खाती है। ऐसे में मित्र पुलिस की परिकल्पना को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, आइए जानते हैं हुक्मरानों की जुबानी। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी के आईजी विजय सिंह मीना। देखिए, इसमें हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है उसके अंदर लोगों का प्रयास है कि ऐसे पुलिसकर्मी जो थाने पर नियुक्त किए जाते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए और उन्हीं को नियुक्त किया जाए जो कि जिनकी कोई शिकायत ना हो, जिनका कैरेक्टर साफ हो, जिनके रोल के अंदर कोई समस्या ना हो। और इसका हम लोग प्रयासरत और विगत में जब भी दृष्टांत आए हैं कभी पुलिसकर्मियों के या कहीं पर उनकी रिकॉर्डिंग हुई है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ और आगे भी की जाएगी। और इसके अतिरिक्त हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर सब जगह डिस्प्लेड हैं, किसी भी व्यक्ति को, आम जनता को अगर किसी भी थाने पर कोई परेशानी होती है तो वो हमें व्हाट्सएप कर दे, SMS कर दे, तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी। और बाकी अगर थाने पर न्याय नहीं मिलता है तो बाकी सीनियर ऑफिसर्स को उसके बारे में बताया जाए जिससे कि हम ये सुनिश्चित करें कि सभी जो आम जनता है, जो गरीब हैं, उन लोगों को न्याय मिल सके। इसके अतिरिक्त मैं ये भी संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हम लोगों ने CCTV कैमरे की एक योजना है जो कि थानों पर कैमरे लगाए गए हैं, तो इससे भी एक अंकुश लगेगा और हम लोग प्रयासरत है कि इस तरीके के अगर कोई पुलिसकर्मी है तो उनको थानों पर ना रखा जाए। आईजी साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि रोमियो जूलियट तो गुजरे ज़माने की बात हो गई है, लेकिन जो आप लोगों का रोमियो स्क्वाड चला था तो उसकी सक्रियता बहुत धीमी गति चल रही है, उसका ही मतलब सक्रियता उसकी खो सी गई है, तो अब उसके लिए क्या कार्य किया जाएगा? देखिए, अभी मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, अभी मेरे संज्ञान में आया है कि वो सक्रिय कम है तो उनसे मीटिंग करके सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी बनारस जैसे जनपद में जो घाट वगैरह है वहाँ पे सादे में पुलिसकर्मी भी लगाए जाते रहे हैं पूर्व में भी, और अधिक इसमें सक्रियता लाएगी जिससे कि इस तरीके की जो छेड़खानी की शिकायत है उन पर और अंकुश लगाया जा सके। जी साहब, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है वैसे वैसे वेबसाइट्स, यूट्यूब्स, ट्विटर, फेसबुक पे कम्युनल लाइन की अफवाह फैलाई जाए, तो इस पर क्या रोक लगाई जा सकती है? देखिए, इसमें हम लोग प्रयासरत रहते हैं, हमारा प्रत्येक जनपद में एक मीडिया सेल बना हुआ है, ट्विटर हैंडल्स हैं जिस पर हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी मॉनिटर करते हैं जिससे कि कहीं पर अगर इस तरीके का कोई शिकायत आती है तो तत्काल उसकी रिपोर्ट भेजे तो उसको ब्लॉक कराया जाता है। साथ में जिस व्यक्ति ने अगर इस तरीके की कोई टिप्पणी करी है, कोई अफवाह फैलाने का प्रयास किया है तो उसमें मुकदमा पंजीकृत करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईजी साहब, वो दिन कब आएगा जब बावर्दी पुलिस खुद को जनता और बिना वर्दी जनता खुद को पुलिस समझेगी? देखिए, आप इस बात से सहमत होंगे कि विगत वर्षों में इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसके अंदर जो शिकायतों का जो पहले अधिक शिकायत आती थी उसमें कमी आई है। हम लोगों का प्रयास है कि ये शिकायत कम से कम आए। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जनता को कहीं पर भी इस तरीके की कोई शिकायत पुलिसकर्मी मिलती है तो उसकी आप वीडियो बनाएं, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। एक तो अंकुश लगेंगे, इसके अतिरिक्त हम लोग अपने स्तर पर भी हम लोग ब्रीफिंग्स में और इसमें हमारे पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये रहे वाराणसी के IG विजय सिंह मीना। पूजा कपूर, क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज, वाराणसी। क्लाउन टाइम्स की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।